नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेन की कोच पोजीशन हम चेक कर सकते हैं, और अगर हमको ट्रेन का फेयर जानना है कि किसी स्टेशन के से किसी स्टेशन के बीच का फेयर कितना है, तो वेयर इज़ माई ऐप से हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी ऐप ओपन कर लेते हैं, वेयर इज़ माई ट्रेन। अब हमको पता करना है कि छिंदवाड़ा से भोपाल जंक्शन में ट्रेन का छिंदवाड़ा से भोपाल के बीच का ट्रेन का फेयर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टेशन का नाम, छिंदवाड़ा डाल देता हूँ छिंदवाड़ा से। दूसरे में भोपाल डाल देता हूँ भोपाल के बीच का, और मैंने फाइंड ट्रेन पर क्लिक किया। जैसे मैंने फाइंड ट्रेन पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेन आ गई, और हर एक ट्रेन का अलग अलग फेयर आ गया। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है पतालकोट का जनरल का जो फेयर है वो है 115 रुपये, पंचोली का है 65 रुपये, है ना। ऐसे अलग अलग पंचोली स्लीपर का है 115 रुपये और जनरल का है 65 रुपीज़। यहाँ ऊपर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमको अनरिजर्व टिकट का फेयर देखना है या रिजर्व टिकट का। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो अनरिजर्व बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। यहाँ से मैं स्लीपर सेलेक्ट करूँगा तो स्लीपर का फेयर आ जाएगा। देखिए पतालकोट का 215 रुपये फेयर है, पंचोली का 145 रुपये, है ना। ये पूरा फेयर आ गया क्लास के वाइज, जनरल का अलग। ऐसे में अगर थ्री टायर का देखना चाहूँ, थ्री टायर एसी का, तो थ्री टायर एसी का देखिए छिंदवाड़ा से भोपाल के बीच का जो फेयर है 585 रुपये है। पंचोली का यहाँ पर दिखा नहीं रहा है अभी, जैसे पंचोली का करीब करीब छिंदवाड़ा से भोपाल 400 या उससे अधिक कुछ फेयर होता है। तो ऐसा हम पूरे ट्रेन का फेयर देख सकते हैं। दूसरी जो हम एक ख़ास बात ये पता करना चाह रहे थे कि हम जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और हमारे किस मान लो S1 S2 या थर्ड AC में हमारा रिजर्वेशन होता है किसी भी ट्रेन में, तो हमको ये पता नहीं होता है कि कोच कहाँ पर आके लगने वाला है प्लेटफॉर्म पर। कई जगह तो प्लेटफॉर्म का डिस्प्ले लगा होता है स्टेशन पर, ट्रेन आने के पहले वो दिखाई देने लग जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमको कभी भी ट्रेन आने के पहले ट्रेन की कोच की पोजीशन का कहीं भी स्टेटस दिखाई नहीं देता है। तो इस ऐप की मदद से हम वो एक स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ऐप में जो स्टेटस दिखाई देता है ये 90% तो सही होता है, लेकिन 10% टाइम ये कभी कभी फेल हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप रेलवे इंक्वायरी से ज़रूर इसको कंफर्म करें, बाकी 90% टाइम ये सही ट्रेन का स्टेटस दिखाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे जिस भी ट्रेन का मेरे को स्टेटस चेक करना था कि कोच की पोजिशन कैसे आ रही, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस स्पॉट ट्रेन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्रेन का नंबर डालूँगा। जैसे मैंने डाला हूँ 14623 पतालकोट एक्सप्रेस का, और सर्च पर क्लिक कर दूँगा। सर्च पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पर आप देखोगे एक सिटिंग चेयर का आइकॉन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहले नंबर पर मेरे को पूरी की पूरी ट्रेन और उसकी कोच पोजीशन आ रही है। देखिए कि सबसे स्टार्टिंग में हमारा देखा होगा कि हमारा इंजन है, इंजन के पास स्लीपर है, SLR है, फिर जनरल बोगी है, फिर S5 S4 S3 S2 A1 B1 जनरल और फिर स्लीपर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्रेन की कोच पोजीशन देख सकते हैं। साथ ही हमारा जो टिकट हमने बुक किया है उसका अगर हमारे पास नंबर है तो हम उसे यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि हमको जो टिकट नंबर मिला है वो लोअर बर्थ है या मिडिल बर्थ है या अपर है या साइड लोअर है। तो यहाँ से हम वो भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेन अपकमिंग स्टेशन के लिए हम इस ऐप की मदद से अलार्म सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर शाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर शाला।